तय वक्त से 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने खाली किया अफगानिस्तान। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका का आखिरी विमान अफगानिस्तान से रवाना। सबसे आखिर में काबुल से रवाना हुए अमेरिकी राजदूत और सैन्य कमांडर, काबुल एयरपोर्ट से सोमवार रात आखिरी विमान C-17 ने भरी उड़ान। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका का मिशन रह गया अधूरा, उम्मीद के मुताबिक लोगों को नहीं निकाल पाए अफगानिस्तान से बाहर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मिशन अफगानिस्तान के लिए अपनी सेना और अधिकारियों को सराहा, कहा अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन। तालिबान ने भी अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने पर लगाई मुहर, मुख्य प्रवक्ता शोहेल शाहीन का बयान, अफगानिस्तान पूरी तरह आजाद। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने का तालिबान ने मनाया जश्न, काबुल एयरपोर्ट के बाहर बंदूकधारियों ने की हवाई फायरिंग। अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूएन सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास, किसी भी देश के खिलाफ नहीं हो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। प्रस्ताव पर वोटिंग से रूस और चीन ने बनाई दूरी, भारत की अध्यक्षता में हुई यूएनएससी की बैठक। पंजशीर में विद्रोही नेता फहीम दस्ती ने तालिबान सरकार में शामिल होने से किया इनकार। अफगानिस्तान छोड़ने से एक दिन पहले अमेरिका ने बड़ी आतंकी साजिश की नाकाम, आतंकियों के 4 रॉकेट किए नष्ट। आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट की तरफ साधा था निशाना, अमेरिकी एंटी एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम से रॉकेट को किया गया बर्बाद। तालिबान राज में आजाद घूमने लगे मोस्ट वांटेड आतंकी, नांगरहार में नजर आया ओसामा का करीबी अमीन उल हक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बंदूक के साए में बुलेटिन, हथियारों से लैस तालिबानियों ने बीच में एंकर ने किया इंटरव्यू। मरा टीवी एंकर खदीजा अमीन ने छोड़ा अफगानिस्तान, तालिबान ने सरकारी टीवी चैनल में काम करने पर लगाया था प्रतिबंध। अफगानिस्तान में तालिबान ने को एजुकेशन पर लगाया बैन, लड़कियों को नहीं पढ़ा सकेंगे पुरुष टीचर। धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व, मध्य रात्रि को देश भर के मंदिरों में हुआ कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। हर साल की तरह इस बार भी मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर हुआ जन्माष्टमी का विशेष कार्यक्रम, रात 12 बजे से कुछ सेकंड पहले मंदिर के कपाट हुए बंद। ठीक रात 12 बजे दोबारा खुले मंदिर के कपाट, कमल के फूल से बाल रूप में प्रकट होते दिखे नंदलाल। जन्म के बाद दूध दही और शहद से हुआ बाल कृष्ण का स्नान, पीले वस्त्रों में दिखे बाल गोपाल। मथुरा वृंदावन में देर रात तक चला कृष्ण जन्म का समारोह, बड़ी तादाद में शामिल रहे भक्त। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह हुए शामिल। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी पर विशेष पूजा, श्रद्धालुओं को बाहर से ही मिले दर्शन। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी दिखा जन्मोत्सव का अद्भुत नजारा, दूध और गंगा जल से हुआ बाल कृष्ण का अभिषेक। जन्माष्टमी के दिन मथुरा में रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कृष्ण जन्म स्थान में की पूजा। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव, भक्तों को नहीं मिली एंट्री लेकिन ऑनलाइन हुए कान्हा के दर्शन।